तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा, ये जो मीटर होता है, ठीक है, ये ग्रेविटी मीटर होता है। इससे बैटरी की ग्रेविटी, बैटरा डाउन है, बैटरा चार्ज है, बैटरा सही है, बैटरी ख़राब है, कोई भी बैटरी है आपकी, हर बैटरी को ये मीटर बता देगा कि कैसी बैटरी की कंडीशन है, बैटरी कितने दिन और चल जाएगी और क्या बैटरी में पड़ने वाला है, तेजाब पड़ने वाला है, पानी पड़ने वाला है। तो इस वीडियो में मैं इसकी पूरी जानकारी दूंगा और मतलब दिखाऊंगा कि कितनी ग्रेविटी पर और कितने कहां पर पानी और तेजाब होना चाहिए तो हमारी बैटरी सही है और हमारी बैटरी ख़राब है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो पहली बात तो मैं बताऊँ, ये जो मीटर होता है ये कहीं भी आपको प्राप्त हो जाएगा, बैटरी की दुकान पर या स्टेबलाइजर की दुकान पर या इन्वर्टर की दुकान पर आपको मिल जाएगा आसानी से। इसका जो प्राइस की बात है तो वो लगभग 40 रुपये से 100 रुपये तक का इसकी रेंज है, मतलब मिल जाएगा आपको 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये के समथिंग आपको मिल जाएगा आराम से। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ये जो शीशा होता है ये बहुत ही नाजुक होता है, आप मतलब अगर धोखे से भी गिर गया तो ये टूट जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता रहता है, दूसरे चौथे पाँचवें दिन धोखे से टूट जाता है। तो इसका बहुत ज़्यादा कमाल होता है दोस्तों, मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ उस वीडियो में। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा टेस्टिंग करवा दूँ इसकी, कैसे क्या होता है, कितनी ग्रेविटी पर होता है। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। पहले दोस्तों मैं बता दूँ, ये बैटरी हाइड्रोमीटर थिनसॉन K2N के नाम से आता है, ठीक है। इसका प्राइस इस पर 125 रुपये दिखा रहा है, लेकिन आपको आसानी से 50, 60, 70 के आसपास मिल जाएगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद हमें जो है वो ये अलग अलग मिलेगा, ठीक है, ये अलग मिलेगा, ये अलग मिलेगा, ये अलग मिलेगा। उसके बाद हमें इस तरह से फिट करना है इसको, ये जो है वो इसका जो ये मोटा वाला हिस्सा ये नीचे रहेगा और ये पहन पतला वाला जो है वो ऊपर रहेगा, इस टाइप से दोस्तों। तो हमें कोई भी बैटरी है तो उसकी सबसे पहले हमें दोस्तों डाटे खोलना होगी, जो बैटरी है तो उस बैटरी की सबसे पहले हमें डाटे खोलना होगी। फिर हमें इसे सीधा सिंपल और सिंपल इस प्रकार के इसे डाल देना है, डालने के बाद इसे दबाना है पूरा, ठीक है, दबाने के बाद इसे धीरे धीरे छोड़ देना है, पूरा दबाने के बाद इसे धीरे धीरे छोड़ देना है। तो ये जो है ये पानी यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ पर भी आ सकता है। अगर उसके बाद आपका जो मीटर है वो जो 1250 यहाँ पर लिखा हुआ है ये यहाँ पर आता है दोस्तों, पहले इसे पूरा छोड़ना है, पानी यहाँ तक आ जाए या यहाँ तक आ जाए, उसके बाद ये दो जो 1250 लिखा हुआ है ये यहाँ पे रुकेगा आगे पानी पे निशान पे। जैसे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये तो पानी है इसलिए मैं टेस्ट करा रहा हूँ इसे। और दोस्तों अगर इस प्रकार से आपका अगर आपके बैटरी में पानी दिखा रहा है तो आपकी बैटरी फुल चार्ज है। और सब सेलों की अगर मतलब 6 सेल होते हैं, अगर 6 सेल में भी इस प्रकार से आपके दिखा रहा है पानी तो आपकी बैटरी बिल्कुल भी सही है, पूरा का पूरा ये चार्ज होती है। अगर उसके बाद आपकी बैटरी जो है वो ग्रेविटी जो है वो यहाँ पर है तो उस बैटरी की ग्रेविटी बिल्कुल गिरी हुई है, वो बैटरी बिल्कुल डाउन है। अगर 1 सेल की इतनी है और सबकी 1250 है तो आपकी बैटरी में फॉल्ट है। अगर आपकी बैटरी इतनी ग्रेविटी है तब भी माइक्रोटेक का कोई भी इन्वर्टर इसे चार्ज नहीं कर पाएगा, तो आपको बड़े चार्जर से ही चार्ज करना पड़ेगा। अगर आपकी बैटरी की ग्रेविटी इतनी है तो आपका हर इन्वर्टर चार्ज कर देगा इसको। अगर आपकी बैटरी की ग्रेविटी इतनी है तो आपका बैटरा फुल चार्ज है, फर्स्ट क्लास काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब सेलों की अगर है, अगर बैटरी ख़राब है तो 5 सेलों की इतनी होगी और बाकी सेलों की जो है वो दोस्तों इतनी होगी, इतनी होगी क्या, ये 1100 मोटा 1250 होता है, 1200 होता है, 1150 होता है, 1200 होता है, 1250 होता है, 1300 होता है, इसके बाद कुछ नहीं होता दोस्तों। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। अगर कोई भी वीडियो बात समझ में ना आई हो आपको तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉल भी कर सकते हैं आप। चलते हैं नए वीडियो की तरफ।